नमस्कार, मैं शिवानी धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक की प्रमुख खबरों को। दिल्ली के छतरपुर में एक महिला ने एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर व्यक्ति की चप्पल से पिटाई कर दी। घटना हिंदू एकता मंच की बेटी बचाओ महापंचायत की है। बताया जा रहा है कि महिला अपनी बात रख रही थी और यह शख्स उसे माइक से हटाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से महिला ने चप्पल उतार कर उसे मारना शुरू कर दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महिला की बेटी इस शख्स के बेटे के साथ फरार हो गई थी। भारत में कामगारों की मजदूरी को लेकर बड़े राज्यों की तुलना में छोटे राज्य अपने कामगारों को कहीं अधिक मजदूरी दे रहे हैं। देश भर में कृषि क्षेत्र के श्रमिकों को मध्य प्रदेश में सबसे कम 217.08 रुपये की मजदूरी दी जाती है, जबकि 220.03 रुपये की मजदूरी के साथ गुजरात दूसरे स्थान पर है। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने कहा है कि उनकी मौत के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। बता दें कि वैक्सीन लेने के बाद कथित रूप से दो युवतियों की मौत हो गई थी, जिसके बाद उनके माता पिता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। राजधानी दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में विदेश मंत्री ने कहा कि हमारा डेटा कहाँ जा रहा है, यह अब व्यवसाय और अर्थशास्त्र का नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। हमारी इस दुनिया में हर चीज को हथियार बनाया जा रहा है। मुझे अपना दृष्टिकोण बदलना होगा कि मुझे अपने हितों की रक्षा कहाँ करनी चाहिए। पंजाब के अमृतसर में सुरक्षा बलों ने फिर से पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। पंजाब के अमृतसर में सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने अमृतसर ग्रामीण जिले के चाहरपुर गांव के पास पड़ने वाले इलाके में पाकिस्तान से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहे एक ड्रोन को मार गिराया है। दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में बारिश का दौर जारी है, तो वहीं पूरा उत्तर भारत में अब तापमान में तेजी से गिरावट आ रही है। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी और आसपास के क्षेत्रों पर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। इस कारण तमिलनाडु केरल समेत कुछ राज्यों में हल्की बारिश हो सकती है। तेलंगाना में YSR तेलंगाना पार्टी और सत्ताधारी दल TRS के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। इसकी बानगी मंगलवार को उस समय देखने को मिली जब हैदराबाद पुलिस आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी की बहन शर्मिला रेड्डी की कार को क्रेन की मदद से उठाकर ले गई। इस दौरान वह खुद भी कार में बैठी हुई थी। तापसी पन्नू की फिल्म ब्लर सिनेमाघरों के बजाय सीधे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही है। मंगलवार को फिल्म का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। यह एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। ब्लर Z5 पर दिसंबर में स्ट्रीम की जा रही है। ब्लर तापसी के लिए बेहद स्पेशल फिल्म है क्योंकि इसका निर्माण उन्होंने ही किया है, जबकि निर्देशक अजय बहल है। अमेजन प्राइम वीडियो से बात करते हुए मोहम्मद कैफ ने न्यूजीलैंड दौरे पर भुवनेश्वर कुमार की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए हैं। भुवनेश्वर कुमार इस दौरे पर क्यों नहीं है, इस बात को मुझे कोई अंदाजा नहीं। वह एक अच्छे गेंदबाज हैं लेकिन इस दौरे का हिस्सा नहीं है। नए खिलाड़ियों की खोज में हम पुराने को खो रहे हैं, कहते हैं ना डायमंड की खोज में हम गोल्ड खो रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव अब अपने अहम मोड़ पर आ गया है। नेताओं की तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। मंगलवार को भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी निंदनीय है और यह कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाती है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वोट मांगने पर तंज कसा था। ड्रैगन के देश चीन के लोगों ने उन पर जबरन थोपे गए लॉकडाउन का विरोध करने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। चीन की जनता हाथों में A4 साइज के सफेद पेपर लेकर सड़कों पर उतर आई है। ये सफेद पेपर महज पेपर नहीं है, ये बोलने की आजादी पर लगाम लगाने के प्रतिरोध का प्रतीक है। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार तरुण तेजपाल की बंद कमरे में सुनवाई का आग्रह करने वाली याचिका खारिज कर दी है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की बेंच ने तेजपाल की ओर से दायर की गई अर्जी खारिज की। रेप के मामले में तेजपाल को बरी किए जाने के खिलाफ दायर याचिका की गई थी, जिसे लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। श्रद्धा वालकर के रिश्तेदार ने दिल्ली पुलिस को अपना बयान दर्ज कराते हुए दावा किया है कि हम मानिकपुर पुलिस स्टेशन 15 अगस्त को गए थे पर हमारी शिकायत को सुना ही नहीं गया। उन्होंने बताया कि जब श्रद्धा के रिश्तेदार मीरा भायंदर ने वसई विरार पुलिस के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को इस बात की जानकारी दी, उसके बाद तब कहीं जाकर 2 महीने बाद अक्टूबर के महीने में मानिकपुर पुलिस ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की।
राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने सीमा पर आतंकवाद और आईएसआईएस से प्रेरित आतंकवाद को मानवता के खिलाफ सबसे बड़ी चुनौती करार दिया है। नई दिल्ली में मंगलवार को भारत और इंडोनेशिया के बीच एक दूसरे के धर्म के प्रति शांति और सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने में उलेमाओं की भूमिका पर आयोजित चर्चा के दौरान अजीत डोभाल ने कहा कि उग्रवाद और आतंकवाद इस्लाम के खिलाफ है, क्योंकि इस्लाम का मतलब शांति और खुशहाली होती है। गुजरात में पहले चरण के मतदान से ठीक पहले बीजेपी को आपके खिलाफ एक और बड़ा मुद्दा मिल गया है। बीजेपी ने आपको घेरने के लिए गुजरात आप प्रमुख गोपाल इटालिया का एक पुराना वीडियो शेयर किया है। बीजेपी ने इटालिया पर स्वामीनारायण संप्रदाय के अनुयायियों का अपमान करने का आरोप लगाया है। इससे पहले भी बीजेपी कई बार इटालिया के वीडियो शेयर कर चुकी है। कर्नाटक के मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के असिस्टेंट प्रोफेसर की ओर से एक छात्र को कथित तौर पर आतंकी कसाब के नाम से बुलाया जाने पर राजनीतिक जगत से प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने छात्र से सहानुभूति दिखाते हुए प्रोफेसर के कथित आपत्तिजनक बर्ताव पर नाराजगी जाहिर की है। कहा है कि नफरत अमीरों गरीबों से निकलकर निजी विश्वविद्यालय में चली गई है। भारत में कोरोना संकट अब लगभग खत्म हो चुका है। देश में अब हर दिन 300 से कम कोरोना मामले सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 215 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान एक मरीज की मौत भी हुई है। ये आंकड़ा अप्रैल 2020 के बाद से सबसे कम है। पीएम मोदी ने कहा कि एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के 10 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था केवल एक पायदान चढ़कर 10वें स्थान पर पहुंची, लेकिन एक चाय वाले के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 8 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी है। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार सियासी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि आज स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके शासनकाल के लिए लोग अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार बिहार के किसी गांव में बिना सुरक्षा और सरकारी अमला के पैदल नहीं चल सकते। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत आज गया बोधगया के घर में गंगा जल को पहुंचाया गया। इसे लेकर शहरवासियों में गजब का उत्साह। गंगा जल घर पहुंचने पर शहरवासियों ने खुशी जताई, साथ ही नीतीश कुमार को धन्यवाद भी दिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने हिंदी प्रशांत क्षेत्र के साथ संबंधों को मजबूत करने पर अधिक ध्यान देने की योजना के तहत भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को लेकर अपने देश की प्रतिबद्धता को दोहराया है। भारतीय मूल के नेता सुनक ने पिछले महीने प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभालने के बाद से मुख्य विदेश नीति के संबंध में सोमवार रात को पहली बार भाषण दिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा के तहत देश भर की यात्रा कर रहे हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरे देश में अपनी पार्टी को एकजुट करने के प्रयास में लगे हुए राहुल गांधी इस वक्त मध्य प्रदेश में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। वहीं इंदौर में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने खुलकर सवालों के जवाब भी दिए। कर्नाटक की राजनीति में इन दिनों काफी उबाल है। भाजपा नेताओं के संग हिस्ट्री शीटर साइलेंट सुनील के दिखने से विपक्षी पार्टियां खूब हमलावर हैं। इस बीच विपक्षी पार्टियां समेत सोशल मीडिया पर भी लोगों ने यह सवाल पूछने शुरू कर दिए कि हिस्ट्री शीटर साइलेंट सुनील के भाजपा में शामिल होने जा रहा है, लेकिन अब भाजपा ने इस बात का खंडन किया है। शिविर के दौरान प्रदान की जाने वाली सेवाओं के अलावा विशेषज्ञ परामर्श और मुफ्त दवाइयां जैसे कंप्लीट बॉडी एनालाइजर, बोन मिनरल डेंसिटोमेट्री, अल्ट्रासोनोग्राफी, लैब जांच और एंथ्रोपोमेट्री थी। शिविर में स्वास्थ्य शिक्षा, कैंसर की रोकथाम पर प्रशिक्षण और सीपीआर का आयोजन किया गया। असम मेघालय सीमा पर गोलीबारी की घटना में कई लोगों के मारे जाने के बाद स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई थी। दोनों सीमाओं से वाहन तक गुजरने से डर रहे थे, लेकिन अब इस मामले पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि पुलिस को जनता पर गोली नहीं चलानी चाहिए। इस घटना से असम और मेघालय के संबंधों में कोई समस्या नहीं आएगी। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का देर से आना बहुत आम बात है, लेकिन इसके चलते लोगों का इंतजार कहीं ना कहीं गुस्से में बदल जाता है। हाल में एक ऐसा वाकया हुआ है जब ट्रेन 9 घंटे देर से पहुंची है तो लोग खुशी से झूम उठे। इस घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है। यह कहां का है और कब का है इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम सरकार से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े उन अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने को कहा है जिन्होंने योजना के तहत लाभ वितरित करने के दौरान अनियमितताएं बरती है। कर्नाटक के उडुपी में मणिपाल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने छात्र को आतंकी कसाब के नाम से बुलाया, जिसके बाद छात्र ने प्रोफेसर के आपत्तिजनक भाषा पर विरोध जताया। छात्र के विरोध कसने पर प्रोफेसर ने माफी भी मांगी थी। असम के डिब्रूगढ़ स्थित मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे दो डॉक्टरों को 6 माह के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इन पर कथित तौर से रैगिंग का आरोप है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी है।
लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह विवाद को निपटाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा मंगलवार को निर्धारित की गई सुनवाई स्थगित कर दी गई है। पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व वाले दो धड़ों के बीच विवाद है। चिराग पासवान ने गुजरात विधानसभा चुनावों में व्यस्तता के कारण सुनवाई स्थगित करने की मांग की थी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है जीतू सिंह, अरुण पासवान, आस्था पोदार, भान प्रकाश मौर्य, मुट्टू रंगीला, मोहम्मद नौशाद रजा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गृह विहीनों को आवास की सुविधा मिल पा रही है? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।